हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखिए कबाब बना रहे हैं, इसे टिक्की भी कह सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स, ये हमारी सामग्रियां, हमारी इसको हम मैश करेंगे। इसको हम कोट के डालेंगे। लहसुन है, मिर्च है, अदरक है। हाँ देखिए फ्रेंड, हम किसी मैसर का यूज नहीं करते हैं, हाँ से मैश करते हैं आलू को। इससे हमारी उंगलियों की, फिंगर्स की एक्सरसाइज भी हो जाती है, आप देख सकते हैं। अभी जो हमने दिखाया था आपको कुटा हुआ, आप मातापिता हैं, आपके बच्चे कैसे होने चाहिए। हमारा नमक गया इसमें, हमारा अमचूर गया इसमें। अब पूरे को मैश करके टिक्की बना के आपको दिखाएंगे हम। इसको फ्रेंड हम कबाब का भी रूप दे सकते हैं और टिक्की भी कह सकते हैं इसको, लेकिन ये है टिक्की। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखिए हम कबाब बना रहे हैं। इंग्रेडिएंट्स आपको दिखा चुके हैं हम। अब इसमें सब कुछ डाल दिया हमने, अमचूर, नमक, कुटे हुए लहसुन, मिर्च, अदरक। अब हाथों से हमने मैश कर लिया है, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए हमारा टिक्की तैयार हो गया है। अब इसको हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, सेलो फ्राई करेंगे। ये बन रही टिक्की हमारी। फ्रेंड इसमें एक चीज सीक्रेट है, इसमें जो आपको प्रोटीन बहुत मिलेगा वो है इसमें काबली चने, उसको भी हमने मैश किया है आलू के साथ। देखिए फ्रेंड, सेलो फ्राई हम कर रहे हैं। तेल देखिए कितना कम से कम तेल दिख रहा है, बस पर्याप्त जितने में आपको टेस्ट आए खाने में। फ्रेंड देखिए अभी हमारा ये तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं ऑयल कितना कम दिखाई दे रहा है इसमें। ये कम ऑयल की वजह से बहुत हेल्दी और टेस्टी भी लगेगा, और इसमें आपको फिर प्लेटिंग करके हम आपको दिखाएंगे। इसको अभी भुनने में 2-3 मिनट का और समय है, ताकि इसको और गोल्डन ब्राउन कर लें। 50% हमारा ये तैयार हो गया है, 2-3 मिनट की और लेट इसमें दे रही है। देखिए फ्रेंड, आज का ब्रेकफास्ट हमारा तैयार हो गया है। इसको टिक्की भी कह सकते हैं, पराठे से भी खाइए इसको, टिक्की भी बोल सकते हैं, कबाब भी। ज़्यादातर रूप इसका हमने कबाब का ही दिया है, पराठे से, पूरी से, किसी भी चीज़ से खा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।